नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक तीसरे फेज में 94 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन गुजरात की सूरत लोकसभा सीट बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। ऐसे में 93 सीटों पर ही वोट पड़े। कुल 1331 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमपी की 9 सीटों पर वोट पड़े, जहां अब तक 62% से ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा राजगढ़ में 72.08% वोटिंग हुई। सबसे कम हुई भिंड में, जहां वोटिंग परसेंटेज रहा 50.96%। सबसे ज्यादा राजगढ़ में जनता घर से बाहर निकली, अपने पोलिंग बूथ तक पहुंची और अपनी मत की शक्ति का इस्तेमाल किया। भिंड में निराशा नजर आई, 50% ही यहां पर वोटिंग हुई, 50.96%। तीसरे चरण का रण आज हुआ। एमपी की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें और एमपी की 9 सीटों पर 62% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर में चुनाव आयोग की ओर से रिलीज किया जाएगा। अब 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से प्रत्याशी कांग्रेस के, वोट देने पहुंचे। रामेश्वर शर्मा को आप देख सकते हैं, विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी वोट दिया। सागर में भी गोविंद सिंह राजपूत सपरिवार वोट देने पहुंचे। विदिशा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रताप भानु शर्मा दादा यहां पर वोट देने पहुंचे। ग्वालियर की तस्वीर, नरेंद्र तोमर को आप देख पा रहे हैं परिवार से। नरोत्तम मिश्रा, कुंवर विजय शाह, दतिया की तस्वीर, शिवपुर विदिशा की एक और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ये अलग अलग जगहों से वीवीआईपी की तस्वीरें, जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। तो खत्म हुआ तीसरे चरण का रण। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चार और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक भूपेंद्र सिंह, ग्वालियर से अशोक सिंह, हरदा से कमल पटेल और रोडमल नागर को राजगढ़ में आप देख पा रहे हैं, जो पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। और तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल का हाल बताने के लिए प्रशांत कटारे आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे, दिखाई दे रहे होंगे। शैलेंद्र भदौरिया मुरैना की तस्वीर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी। भोपाल राजधानी है, बताए वहां पर विदिशा में बताया जा रहा है कि विदिशा से भोपाल प्रशांत कटारे जुड़ रहे हैं। प्रशांत मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। दिनेश हमारे साथ विदिशा से जुड़े हुए हैं, समझ आ गया है मुझे। और अब प्रशांत पहले आप बताएं कि क्या अपडेट है आपके पास। जी जी, अपन अब केवल भोपाल पर बात करूं उससे पहले, चूंकि हम निर्वाचन आयोग में हैं, उससे इससे अपडेट कर दें। दरअसल जो इस वक्त तक के आंकड़े हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 66.12% अभी तक वोटिंग हुई है ओवरऑल औसत, जिसका भिंड का जिक्र आप कर रही थी वो 52.91 पहुंच गया, लगभग 53% का आंकड़ा लगभग भिंड में पहुंच गया। राजगढ़ का आप बता ही रही थी 72 से ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो अपडेट है अभी तक के आंकड़े एक बार अगर रिपीट करूँ तो, मैं मुरैना में 55.77%, भिंड में 52.91, ग्वालियर में 58.6, गुना में 69.39, तो सागर में 62.6, विदिशा भी 70 पार हो गया है अपर्णा। भोपाल में भी 60.99 यानी 61% वोटिंग भोपाल में हुई है। राजगढ़ 72 से ज्यादा है, बैतूल भी 69.68% हो गया है। तो उस नजरिए से अगर अपना हम जिक्र करें तो आंकड़ा बढ़ा है और अभी करेक्ट होगा। धीरे धीरे जो निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन, कह रहे हैं कि कुछ जगह से अभी भी डेटा आना बाकी है, यानी कि अभी भी धीरे धीरे करेक्शन होगा और ये डेटा हो सकता है कि और जो आंकड़ा है कुछ और बढ़े, थोड़ा और अपडेट हो। अब हम भोपाल पर आते हैं। भोपाल में जो अभी वर्तमान में भी 60.99 यानी 61% वोटिंग का आंकड़ा भोपाल पे आया है,
और जबकि अगर हम 2019 का जिक्र करें तो 65% वोटिंग हुई थी, यानी 4% बहुत ज्यादा नहीं, 4% अभी कम नजर आ रहा है। अगर थोड़ा और करेक्शन होता है, हो सकता है कि एक 1.5% अगर और बढ़ता है तो 2-3% का डिफरेंस ये रह जाएगा। ये मौसम का असर भी आप मान सकते हैं, 2-3% अमूमन जो पहले और दूसरे चरण में हुए उनमें बड़ा डिफरेंस नजर आया है, अपना 8 से 10 फीसदी 12 फीसदी का डिफरेंस वोटिंग पैटर्न में नजर आया है। दूसरा, अगर भोपाल की 8 सीटों का अगर हम जिक्र कर लें तो इनमें 2 सीटें जो बीजेपी की के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब हमेशा से रही हैं, भोपाल उत्तर की बात करें और दूसरा भोपाल मध्य, दोनों जगह कांग्रेस का कब्जा है। बाकी सीटें बड़ा मार्जिन विधानसभा में बीजेपी ने लिया था, तो उस लिहाज से बीजेपी को भोपाल में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इनमें सीहोर भी शामिल है, बरसिया भी शामिल है, नरेला भी शामिल है, और इस नजरिए से 6 और 2 सीटों का जो रेशियो है वो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बीजेपी के फेवर में कुछ हद तक भोपाल लोकसभा सीट नजर आती है। 62% वोट भी है भोपाल बीजेपी के नजरिए से, बीजेपी इस सीट को लेकर निश्चिंत भी नजर आई है। प्रशांत जुड़े रहिए आप मेरे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। जरा शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र भदौरिया मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या जानकारी इस समय की लेटेस्ट? देखिए, जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार लगभग 57% के आसपास जो है वो मतदान अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें सामने आए। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों से इस तरह की खबरें भी आई थी कि कुछ पोलिंग बूथ पर 6 बजे के बाद भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद थे। तो अभी फाइनल आंकड़ा लगभग 9 बजे के आसपास तक आएगा, तो उम्मीद है कि आंकड़ा में 1-2% और इजाफा हो सकता है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का सुबह से ही तेवर देखने को मिले थे, उससे ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि क्या जो वोटिंग परसेंटेज है वो इतना बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, उसके अगर उलट बात करूँ तो पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र भिंड में जो 50% के आसपास रहा, जबकि उससे ठीक ठाक तो मुरैना में रहा कम से कम 55 से 57% जो है वो वोट यहाँ पर पड़ा है। उसके पीछे कारण ये कि तेज गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही थी, और दोपहर के समय हमने देखा कि पूरी तरीके से सन्नाटा जो है पोलिंग सेंटर्स पर हो गया था। न केवल शहरी पोलिंग सेंटर्स बल्कि ग्रामीण के जो पोलिंग सेंटर्स थे उन पर जो है वो मतदाताओं के पहुंचने का इक्का दुक्का ही सिलसिला रहा। तो हालांकि ओवरऑल ये कहा जाए कि देखिए, पहले और दूसरे चरण के लिहाज से अगर देखें तो मुरैना में जिस भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान प्रतिशत ठीक कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि मतदाता का रुख आखिर क्या रहा है। अभी देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल के जो लोग हैं, खासकर अगर मैं मुरैना यहाँ की बात करूं तो तीसरे दल के तौर पर बसपा ने भी यहाँ पर मौजूद थी, और ये कोई पहली बार नहीं। इसके पहले भी हमने देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा का जो है वो अपना एक जनाधार रखती है, और बसपा भी यहाँ तीसरी पार्टी के तौर पर थी। तो अरे ये कहें कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। हालांकि मतदाता जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट रहा है, उसने किसी भी वक्त ये एहसास नहीं होने दिया कि आखिर वो वोट किसको देने जा रहा है। लेकिन चूंकि मानस वो बना चुका था, प्रधानमंत्री ने भी यहाँ रैली की थी, मायावती ने भी यहाँ रैली की थी, इसके अलावा प्रियंका गांधी की भी यहाँ रैली हुई थी। सब कुछ देखने समझने के बाद ही मतदाता ने अपना मन बनाया, उसके बाद ही पोलिंग बूथ पर पहुंचा। शैलेंद्र, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, दो और सहयोगी हैं, दिनेश यादव हैं जुड़े हुए विदिशा से। दिनेश यादव का रुख कर लेते हैं। दिनेश, दोपहर तक की तस्वीर विदिशा की बता रहे थे कि काफी खुलकर यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे थे और उनमें काफी जोश भी नजर आ रहा था, जो वोटिंग परसेंटेज समझ आ रहा था हमें दोपहर तक की अगर मैं बात करूं। लेकिन अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो क्या है और किस तरह का उत्साह, तस्वीरें कैसे देखने को मिली आज दिन भर? बात लोकसभा की तो यहाँ पर भी लगभग 2019 का जो आंकड़ा था वो यहाँ पर छू लिया है। 71% के आसपास 2019 का यहाँ पर मतदान हुआ था, और जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे थे कि 70% के आसपास यहाँ पर मतदान हो चुका है, और जो फाइनल आंकड़ा अभी फाइनल जो वो यहाँ पर भी पुराना आंकड़ा वो यहाँ पर छूते दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले फेस और दूसरे फेस में जिस तरीके से मतदान को लेकर दिक्कत आई थी कि मतदान प्रतिशत जो कम हुआ था दूसरे फेस में, कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम था, उसके बाद शादियां विवाह भी इस तरह बहुत काफी थे, उसके चक्कर में यहाँ पर देखा जाता है लोगों को लग रहा था कि जो कहीं ना कहीं तीसरे फेस में यहाँ पर है मतदान प्रतिशत वो बढ़ेगा, वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। विदिशा की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है, उस लिहाज से जिस तरीके से यहाँ पर मामा और दादा के बीच यहाँ पर जंग देखी जा रही है, क्योंकि प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी विदिशा सीट पर यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी सभाओं की हम बात कर ले तो 150 से ज्यादा दौरे पूर्व सीएम भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर किए हैं, जिसमें से 8 विधानसभा में वो लगातार घूमे हैं और जनसभाओं के साथ
किए हैं और नकड़ सभाएं की हैं, वहीं कांग्रेस थोड़ी सी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों से यहाँ पर कोई भी बड़ा दिग्गज या केंद्रीय नेतृत्व नहीं आया। एक बार जहाँ बेगंज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा शिवराज सिंह चौहान के लिए हुई थी, तो वहीं अगर हम बात करें जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने तो वास्तव में विदिशा का चुनाव ऐसे लड़ा है जैसे कि उनका पहला चुनाव हो। वो पूरा फोकस उनका विदिशा अपनी सीट पर ही रहा और वो जिस तरह से हर दरवाजे पर पहुंचे उसको देखकर कहा भी गया कि पूरी मेहनत उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया अपनी सीट के लिए। ग्वालियर का हाल बताने के लिए सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील जरा बताएं, यहाँ पर फाइट की हम लगातार बात कर रहे थे और वहां पर भी वोटर्स के बीच को लेकर तय कर पाना मुश्किल बन रहा था कि कहाँ किस तरह ज्यादा पल्ला भारी है, लेकिन आज मतदाताओं के बीच किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर सीट पर भी अगर कहें तो मतदाताओं में उत्साह नजर आया। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह 59% मतदान हुआ था। इस बार जो है मतदान का प्रतिशत इसको क्रॉस करेगा तो कहा जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह था। इसके अलावा फाइट की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा है जो पूर्व मंत्री थे, इसके अलावा अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे थे, उनके सामने कांग्रेस से प्रवीण पाठक थे, वो भी पूर्व विधायक हैं और अभी हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इनके बीच बीएसपी से के कल्याण सिंह कंसाना जो प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर समाज से थे, तो बीएसपी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर देखें तो कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका यहाँ सामने आ रही है। इसके अलावा जो मतदाताओं से बातचीत की तो उस आधार पर बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो सिर्फ मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर था। मोदी और केंद्र सरकार के विकास कार्य जो है वो ही सबसे बड़ा यहाँ प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा अहम महत्वपूर्ण अंग था बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अंडरकरंट ये भी नज़र आया कि जो जनता निकल कर आई वो भी बीजेपी के लिए अगर मतदान करती है तो वो मोदी के चेहरे पर यहाँ मतदान हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक ने खुद को शिक्षित बताते हुए इसको प्रत्याशी टू प्रत्याशी लड़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा फोकस मोदी के चेहरे को रखा है और भारत सिंह कुशवाहा, चूँकि कुशवाहा समाज से आते तो यहाँ एक बड़ा वर्ग है उनका, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इस सीट पर कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 4 जून को पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जो मतदान का परसेंटेज बढ़ा है उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है वो निकल कर आया है और उसने मतदान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का ही इस बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड से बता रहे थे हाल की क्या कुछ रहा आज दिन भर का और वोटिंग परसेंटेज कुछ देर में ही 62.5